नमस्ते साथियों, आइए इस वीडियो में माह मार्च के प्रथम सप्ताह में राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी शिक्षकोपयोगी कौन कौन से महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका अवलोकन करते हैं। साथियों, वैसे तो बहुत सारे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, किंतु हम शिक्षक साथियों के लिए जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है उनके बारे में हम जानेंगे। साथियों, केवल मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यदि आपको पूरा विवरण पढ़ना है तो एजुकेशन पोर्टल की वेबसाइट को विजिट करके आप सारे दिशा निर्देशों का अवलोकन कर सकते हैं, या एम शिक्षा मित्र ऐप के माध्यम से भी इन दिशा निर्देशों का विवरण पढ़ सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह पहला पत्र 9 मार्च 2022 को जारी किया गया है, जिसकी विषय वस्तु है, जैसा यहाँ पर विषय वस्तु देखिएगा, 17/2021-22 के लिए स्पोर्ट्स ग्रांट की उपयोगिता सुनिश्चित करने बाबत। ठीक है, तो साथियों यह पत्र है। इसके पश्चात आगे देखिएगा दूसरा पत्र, यह भी 9 मार्च 2022 को ही जारी किया गया है। इसकी विषय वस्तु है कक्षा 1 से 8 हेतु प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्ष 2021-22 बजट संबंधी। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया, यदि आपको पूरा दिशा निर्देश पढ़ना है यानी इसका विवरण पढ़ना है तो आपको एजुकेशन पोर्टल की वेबसाइट या एम शिक्षा मित्र ऐप के माध्यम से ये सारे दिशा निर्देश पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिएगा यह तीसरा पत्र, और यह पत्र 4 मार्च 2022 को जारी किया गया है। इसकी विषय वस्तु देखिएगा, पढ़ना लिखना अभियान अंतर्गत दिनांक 26 मार्च 2022 को बुनियादी साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करने विषय। ठीक है, तो ये 26 मार्च को जो पढ़ना बढ़ना के अंतर्गत परीक्षा का आयोजन के संबंधित दिशा निर्देश है। और जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि यदि आपको पूरा विवरण पढ़ना है तो आप एम शिक्षा मित्र के माध्यम से इन दिशा निर्देशों का अवलोकन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखिएगा यह जो पत्र है 7 मार्च 2022 को जारी किया गया है, और इसकी विषय वस्तु देखिएगा, यहाँ पर शासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं के शिक्षा पोर्टल पर अकाउंट अद्यतन करने के संबंध में। साथियों, यह एक पत्र है और यह भी हम शिक्षकों अर्थात जो शाला प्रभारी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण पत्र है। ठीक है, और जैसा कि यहाँ पर विवरण दिया गया है, आप विवरण को एम शिक्षा मित्र ऐप के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिएगा यह जो पत्र है, यह पत्र 21 फरवरी 2022 को जारी किया गया, किंतु साथ ही पुनः 7 मार्च 2022 को भी एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड किया गया है। तो देखिएगा इसकी विशेषता क्या है, कक्षा 5वीं व 8वीं वार्षिक परीक्षा निर्देश वर्ष 2021-22। तो साथियों, यह भी हम शिक्षक साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है। ठीक है, और इस पत्र का पूरा जो अवलोकन हमको कर लेना चाहिए, किस तरह से हमको परीक्षा संचालित करनी है, इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है, साथ ही समय सारणी भी इस पत्र में दी गई है। ठीक है, तो साथियों आगे बढ़ते हैं और अगला पत्र हम देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह पत्र, और यह पत्र 7 मार्च 2022 को जारी किया गया है। इसकी विषय वस्तु है TLM मेला प्रतियोगिता के आयोजन के संबंध में। साथियों, TLM मेला किस तरह से आयोजित होना है, किस तरह के TLM तैयार किए जाने हैं, इसके संबंध में यदि पूरी जानकारी आप पढ़ना चाहते हैं तो इस पूरे पत्र का अवलोकन अवश्य कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और साथियों जो अगला पत्र है, यह पत्र 4 मार्च 2022 को जारी किया गया है, जिसकी विषय वस्तु है पालकों के मोटिवेशन एवं मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने संबंधी। साथियों, निश्चित तौर से पूर्व में इसकी जानकारी आपने प्राप्त कर ली होगी और आप लोगों ने निश्चित तौर से पालकों और विद्यार्थियों को पुरस्कृत अवश्य ही कर दिया होगा उनके मोटिवेशन के लिए, जैसा कि यहाँ पर पत्र में जानकारी दी गई है। ठीक है, और साथियों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिएगा यह पत्र 3 मार्च 2022 को जारी किया गया है। और साथियों, इस पत्र की जो विषय वस्तु है वो विषय वस्तु देखिएगा, यहाँ पर समग्र शिक्षा योजना अंतर्गत जिलों अधीनस्थ इकाइयों के पूर्व से संचालित बैंक खातों के संबंध में। तो साथियों, जो बैंक खाते हैं उनके संबंध में यहाँ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है और राशि वापस करने से संबंधित जानकारी यहाँ पर दी गई। इस पत्र का अवश्य ही अवलोकन कीजिएगा। ठीक है, तो साथियों इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको इस सप्ताह में जारी हम शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों के संबंध में बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ जानकारी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।